सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी टीचर और आपके करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है जो जिन बच्चों ने CUET UG दिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी वीडियो आएगा और उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए और बाकी भी जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी हम CUET UG के वीडियो लगातार अपने चैनल के माध्यम से लाएंगे, ठीक है। तो BHU के बच्चों के लिए काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, किस तरीके से उन्होंने फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सारी जानकारी आज हम डायरेक्टली इसमें वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं और पूरा प्रोसेस जो होगा वो उसके डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि BHU.ac.in पे आप जाके जो है वो डायरेक्ट लिंक जो है समर्थ का, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं, जब आप आएंगे यहाँ पर तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG का जो है ये यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा है, लेकिन हमने करना है UG रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग। तो हमने इस पे जाके क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हमको दूसरे पेज में लेके चला जाएगा जिसमें कि हमारा जो समर्थ का पेज होगा, ठीक है। तो इस पेज में आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो हमारे दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप चाहे तो BHU की जो डायरेक्ट वेबसाइट होती है ना उसमें जाके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी समर्थ की, इसी में ही आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होना है। अब देखिए बच्चों, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि फ़ीस कितनी है। तो देखिए उसके लिए जो इनका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट लिखा है ना, इसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने आपको बोला है कि आपका जो ये आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। तो उन्होंने लिखा है स्कैन कॉपी है 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। तो फटाफट सबसे पहले तो आप स्कैन इनको कर दीजिए PDF में या JPEG की जो फॉर्मेट होता है उसमें, ठीक है। अब बात आती है कि फीस कितनी होगी, किस किस बच्चे के लिए। तो देखो फीस इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड पे द रजिस्ट्रेशन फीस, नॉन रिफंडेबल होगी, जो कि इतना होगी आपके लिए। कैप वाले बच्चों के लिए 500 और SC ST OBC बच्चों के लिए 250। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों आपको पता होगा कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है यहाँ पे दो तरीके से एडमिशन होता है। एक होता है इनके कैप के थ्रू, जो कि इनका कंबाइंड अलॉटमेंट जो एग्ज़ाम्स होता है उसके थ्रू, और दूसरा होता है यहाँ पे इनका CUET UG के थ्रू। तो ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फिलहाल इन्होंने ये दिया है जो आपकी फ़ीस है वो 500 और 250 रुपये बताई है, ठीक है। तो आप देखिए, अब आपने इसके साथ साथ और भी अगर आपने कुछ आपको डाउट है तो हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक FAQ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके माध्यम से आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि फॉर्म को भरते समय आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने। तो देखिए इसमें यह लिखा है, व्हाट आर द स्टेप फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आपने ये वाली वेबसाइट पर जाना है, फिर सेलेक्ट योर रजिस्ट्रेशन कि भाई आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपने जो है नंबर एंड पासवर्ड जो होगा वो आपने आपको मिलेगा और आपको पूरा करना है, ठीक है। इसमें उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आपका, लॉगिन करना है आपने, ठीक है। तो या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे या अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालोगे और उसके बाद अपना प्रोफाइल भरना शुरू कर देना। तो जहाँ तक भाई अपनी बेसिक डिटेल भरनी होती है खुद की, वहाँ तक तो सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट आता है आपका डिक्लेरेशन, आपको भरना है और अपने प्रोफाइल को सबमिट करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर प्रेफरेंस का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आफ्टर सबमिटिंग योर प्रोफाइल प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, कि भाई आपने किस किस कोर्स में जो भी है आपने आपके लिए प्रेफरेंस क्या क्या है वो आपने भरनी है इसके, और आपके लिए अवेलेबल प्रेफरेंस होगी ऑन द एलिजिबिलिटी सेव योर प्रेफरेंसेस। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने PCM में भरा है तो वो PCM के किस किस कैटेगरी में आता है, या आर्ट्स में भरा है तो किस 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 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब आपने इसमें भरना है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके मीट कर रहे हैं तो उसी प्रकार की प्रेफरेंस जो है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ लेना बच्चों एक बार FAQ अगर आप फॉर्म भर रहे हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट हम यहाँ पर चलते हैं और देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन हमने कैसे करना है। तो देखो रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन है लिखा हुआ है, जहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और इस तरीके से ये आपके सामने खुल के आ गया। और ये देखिए आप, डू यू हैव अ CUET UG रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास है यस, ठीक है, तो आप इसे यस करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे आपके पास
ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए आपके सामने खुल के आ गया। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आप डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब डेट मंथ जो आपने फॉर्म में डाली है ना वही आपने डालनी है, जो मतलब आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है वो। और उसके बाद जब आप ये अपना कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद बस रजिस्टर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है CUET का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए वो शुरू हो जाएगा। तो इसमें 2-3 बातें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपने किस कैटेगरी में फॉल करते हो आप, मतलब क्योंकि इसमें 2-3 कैप मैंने जैसे कि बताया आपको, कैप कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी भी है, तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आपको जमा करनी है। उसके बाद आप देख लीजिए अपना नेक्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन और FAQ डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों, और सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भेजना। बाकी जब काउंसलिंग होगी, ये इनिशियल प्रोसेस है, जो भी डिटेल होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार बताती रहूँगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर किसी को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं 299 रुपीज़ अगर किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए, ठीक है, ओनली करियर हेल्प। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और इन दोनों का लिंक, समर्थ का लिंक भी और BHU का, दोनों का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी। तो बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और बाकी जो भी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की, हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, सभी के काउंसलिंग प्रोसेस की सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।